नमस्कार, मैं मोविन नाजरेत और सदप का क्लिस मीडिया में मैं हूँ चांदिवली क्षेत्र में। और आज हमारे साथ मौजूद है एमएम के युवा नेता और मुंबई के जाने माने समाज सेवक सर रमज़ान चौधरी जी। और जैसे कि पता है कि कुछ दिन पहले जो बीजेपी के सांसद है तेजस्वी सूर्या, उन्होंने जो एक तुष्टिकरण को लेकर जो उन्होंने अपना बयान प्रदान किया और जो पोलराइजेशन की वो बात करते हैं उसको लेकर आज हमारा खास संवाद होगा। और जो चांदिवली के रहवासी है उनका ये भी कहना है कि भाई रमज़ान चौधरी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ 8 महीने में मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाला है। और ये सभी चीज़ों को लेकर आज हम भाई रमज़ान चौधरी से खास संवाद करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप एमएम के एक यूथ नेता हो, मुंबई के जाने माने समाज सेवक हो। सर, सबसे पहला कमेंट मेरा ये रहेगा तेजस्वी सूर्य को लेकर, जिस तरीके से बेंगलुरु के लोग ने उनको चुना है, उनको पार्लियामेंट में भेजा है, परंतु जो आज जो कमेंट कर रहे हैं पोलराइजेशन को लेकर, तुष्टिकरण को लेकर, सर इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, तेजस्वी सूर्या जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, साइकोपैथ हैं ये लोग, मेंटली रिटार्डेड भी कह सकते हैं आप इनको। एक जो हेट्रेड की भावना इनके अंदर जो है, नफरत की भावना एक समाज के प्रति, एक समाज ही नहीं बल्कि आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि इन्होंने महिलाओं को लेकर के किस प्रकार का बयान दिया था कि महिलाएं जो है बच्चा पैदा करने की मशीन है और उनका ऑर्गेनिज्म ऐसा वगैरह, सब बहुत सारी बदतमीजी उन्होंने की थी। जो सामाजिक तौर पे एक नेता, तो छोड़िए समाज साहब, मैं समझता हूँ कि एक जो समाज में रहने वाले जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको भी करना नहीं चाहिए, ना करता है कोई। और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग हमारे सदन में, संसद भवन के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों को लोग जो है प्रमोट भी कर रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जी। मात्र इसके लिए कि कहीं ना कहीं ये जो हेट्रेड की भावना है ये सक्सेसफुल हो रही है साहब, तो इस हेट्रेड की भावना को ये लोग और फैलाना चाह रहे हैं, जिससे फ़ायदा हो रहा है ये लोग काम कर रहे हैं। एक समाज के प्रति जो है घृणा रखना इस प्रकार से ये उचित नहीं है, देश के लिए भी उचित नहीं है, देश के भविष्य के लिए भी उचित नहीं है। जो आपका क्षेत्र है चांदिवली विधानसभा, तो यहाँ पर ऐसे लाखों परिवार है जो मजदूर और श्रमिक वर्ग से आते हैं सर, क्योंकि चांदिवली का ऐसा मुंबई का क्षेत्र है जहाँ पर कमर्शियल एरिया भी है और रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो सर यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो भाई यूपी बिहार झारखंड से आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। उस समय आपने उनको गाँव भेजा, उनको अनाज प्रदान किया, तो सर क्या परिस्थिति था और आपका क्या अनुभव रहा इस लॉकडाउन के समय में? देखिए, लॉकडाउन एक ऐसा चीज़ है कि जो कहीं ना कहीं ठीक है, बेहतर होता है, लेकिन लॉकडाउन एक समय प्रदान करता है। लॉकडाउन से हम लोगों को एक समय मिलता है जिसमें हम लोगों ने तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से सम्माननीय मोदी जी ने जितना एफर्ट्स चुनाव को लेकर के दिखाया, जितना एफर्ट्स उनकी पार्टी, उनके पार्टी के सारे करता, क्योंकि जो चीफ होता है, जो हेड होता है, वो आजकल मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सारे जो उनके निचले स्तर के जो लोग हैं, तो वो सारे लोग भी उसी लाइन पे चलने लगते हैं जो लीडर जिस लाइन पर चलता है। तो हम सब ने देखा कि कोरोना को लेकर के उनकी संवेदना कितनी थी, जनता के प्रति उनकी संवेदना कितनी थी, और चुनाव को लेकर के सत्ता हासिल करने में उनकी संवेदना कितनी थी, उनकी रुचि कितनी थी, ये हम सब ने देखा और सबको दिखा। और जिसको नहीं दिख रहा है वो देश का दुश्मन है, देश का गद्दार है, और ऐसे लोगों से देश को जितना नुकसान हो सकता है वो कर रहे हैं जी। और हम लोग जो ये लॉकडाउन का जो एक सिस्टम चला है, अब यहाँ पर भी देखेंगे कि पिछले एक महीने से लॉकडाउन जैसा माहौल है, बल्कि लॉकडाउन ही है जी। अगर जहाँ पे बिजनेस वगैरह नहीं चल रहे हों, लोगों का कामकाज नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इसको यही कहा जाएगा ये लॉकडाउन ही है, इसको खाली नाम दिया गया है मिनी लॉकडाउन जी, लेकिन एसेंशियल सर्विस के अलावा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर जी। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को एक अच्छा समय मिला था कि लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपने तैयारी करनी चाहिए थी, आपने बेड्स का इंतज़ाम करना चाहिए था, आपने ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना था, वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम करना था, जो कि नहीं हुआ जी। आपने देखा होगा लाखों करोड़, मैं समझता हूँ वेस्ट बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खर्चा की है, लाखों करोड़ की तादाद में। ऐसे में इतना रुपया खर्च अगर मैं समझता हूँ कि कोरोना को लेकर के उससे बचाव के लिए किया गया होता, अगर
आधा भी किया होगा किया गया होता तो आज देश की जनता जिस तरह से रोड पे मर रही है और इतनी तादाद में मर रही है कि आपके पास जलाने की सुविधा नहीं है बॉस जी, आपके पास दफनाने की सुविधा नहीं है। ये तादाद है मरने वालों की, और जो लोग झेल रहे हैं, जो परिवार झेल रहा है ऐसी स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, जहाँ पे आना जाना दुश्वार है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद हैं जी। हमने नफरत की बुनियाद पर और झूठ की बुनियाद पर एक सत्ता हासिल किया, सत्ता प्रदान किया, और ऐसे नेता को चुना जिसने लोगों का उद्धार ना करते हुए बल्कि लोगों का उनका शोषण करने का काम किया। तो ऐसे नेताओं को आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि जो व्यक्ति आपके लिए बुरा हो सकता है, मैं समझता हूँ वो अपने बाप के लिए भी बुरा होगा जी। हम साथी हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक समाज के लिए बुरा हो सकता है वो पूरे देश के लिए बुरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एक युवा नेता हो और राजनीति का काफ़ी अच्छा अध्ययन करते हो, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको देखते हैं लोग, तो सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि चुनाव, जो 5 राज्य के चुनाव हुए थे, क्या चुनाव होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्योंकि तभी मद्रास हाईकोर्ट ने एक किसी कोई एडवोकेट ने पिटीशन फाइल किया था, तो उस पिटीशन में वहाँ के जो जज है उन्होंने कहा था कि उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, उन्होंने कहा था चुनाव नहीं होना चाहिए था, और जो चुनाव करके आपने बहुत बड़ी गलती की, तो सर क्या चुनाव होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में आपका क्या आकलन है? साहब देखिए, जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता को हासिल करने के लिए हर प्रयास कर रही है, संभव प्रयास कर रही है। उनकी रुचि, उनकी जो ज़रूरत है वो मात्र सत्ता हासिल करने में है। कोई एक बेवकूफ़ आदमी भी कहेगा कि आज देश को ज़रूरत है इस कोरोना महामारी से लड़ने की, सारा कंसंट्रेशन, सभी पूरे विश्व ने सारा कंसंट्रेशन देश की अपने देश की जनता को बचाने के लिए, इस कोरोना महामारी को दूर रखने के लिए सारा इंतज़ाम किया, लेकिन एकमात्र हिंदुस्तान, भारत देश ऐसा कंट्री है जहां पर चुनाव रखे गए और लोग हम पर हमारी नसीब पर, हमारी किस्मत पर लोग रश कर रहे हैं कि ऐसे देश में ऐसे नेता लोगों के हाथों में सत्ता है जहां देश की जनता अपने आप से या उन पे आत्मनिर्भर करने का, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर करने का एक घोषणा दिया, तो वाकई उन्होंने ये घोषणा सही दिया है, हमको आत्मनिर्भर ही होना पड़ेगा। और ये सत्ता जो हासिल जिनके पास है वो लोग आपके लिए कुछ करने वाले नहीं हैं, और समाज को ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए बस। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सवाल है मेरा आपके लिए कि सर, तभी मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो पूरा विश्व भारत का गौरव करता था जी, महिमामय होता था हमारा देश, परंतु आज तभी ये गए हफ्ते की बात है, आप CNN देखो या फिर आप अल जजीरा देखो या फिर BBC न्यूज़ देखो जी। तमाम वहाँ के पत्रकार, जो फॉरेन के पत्रकार यूपी में गए थे जी, और आपने भी सर वो कवरेज देखा रहेगा कि इस तरह से जो अस्पताल का हालत है यूपी में, बिहार में, विश्व स्तर की मीडिया ने दिखाया, प्रदर्शित किया, और सब लोग ने नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का जो क्या बोलते हैं, जो नकारात्मक कार्य कर रहे हैं उसके बारे में प्रदर्शित किया। सर इसको आप कैसे देखते हो? अब देखिए, अब ठीक है, आप महाराष्ट्र में हैं तो ये आपका सौभाग्य है कि आपने कहा कि यूपी में ऑक्सीजन नहीं है जी। अगर ये आप यूपी में कहते तो मैं समझता हूँ आपके ऊपर NSA लग जाता, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जी। अगर आपने कहीं बता दिया कि आपको ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, ऐसी स्थिति में आपको तुरंत NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके ऊपर लगा करके आपको अंदर करने का काम इस राज्य ने, इस जनता के लिए ये फरमान रखा है। तो इनकी मानसिकता आपको देखनी होगी, झूठ की बुनियाद पर ये लोग सारा काम करते हैं, झूठ की बुनियाद पर इनका सारा प्रोपोगेंडा होता है, और ये अपने कुछ मित्रों के लिए ही काम करते हैं, ये आपको जानना होगा। जनता के लिए इनका कोई कार्य नहीं होता है, इनके जो आसपास के लोग होते हैं सारा कार्य उनके लिए होता है, सारा सुविधा उनके लिए होता है, और हमको अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, और अगर हम अपेक्षा करते हैं तो ये हमारी कमी है और हमको इसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल दुख होता है साहब, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी स्थिति में कि हम लोगों को रोना आता है। आज देख रहे हैं हमारे देश की जनता, जो लोग मर रहे हैं कोरोना से, अब तो यहाँ कोरोना जो है हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, सभी को मार रहा है और सभी को समान रूप से मार रहा है। कब्रिस्तान में आपको कब्र नहीं मिल रही है,
कब्रिस्तान में मास ग्रेव बनाने का काम किया जा रहा है, और जहाँ पर मशान भूमि है, शमशान भूमि है, वहाँ पर लोग जो है लाइन लगा करके, आपने देखा हो कई विजुअल्स आए हैं जी, कई विजुअल्स देखा है हमने, तो ये ऐसी स्थिति देख करके अपने ही परिजनों को, अपने हमारे घर के अपने परिजनों को जेसीबी से खड्डा करके उनको ऐसे चटाई से इस तरह से उठा करके फेंका जा रहा है जैसे कोई कुत्ते को नहीं फेंकता होगा, उस तरीके से लोगों को गड्ढे में फेंकने का काम कर रहे हैं और जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, लाश को जिसकी जिसको सम्मान, लोग खड़े हो जाते हैं जब कोई मैयत जाती थी, लोग खड़े हो जाते थे उसके सम्मान में, सम्मान छोड़िए साहब, उसका अधिकार, उस लाश को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का जो जहाँ पर हमारे ऐसे नेता लोग बैठे हुए हैं जिनके नेतृत्व में हमारे देश को ऐसी स्थिति देखनी पड़ रही है जी। और मनमोहन जी के कार्यकाल को तो मैं ठीक कहूँगा ही अगर मैं इनसे कंपेयर करता हूँ तो जी। तो सर, चांदीवली की जो जनता है उनका ये कहना था कि इस बार रमजान चौधरी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो इस बार भी लोगों का ये रुझान है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो सर क्या आप चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ये सारा निर्भर करता है पार्टी नेतृत्व पर जी। हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है, अब पक्ष नेतृत्व जो है जिस प्रकार से भूमिका तय करेगा उस पर हम लोग चलेंगे। पक्ष अगर ये सुनिश्चित करता है कि हाँ मुझे लड़ना चाहिए तो बिल्कुल मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, हमारे सारे साथी गण तैयार हैं, और जैसा भी पक्ष निर्णय लेगा हम उस पर चलेंगे जी। सर, जो आपका कार्यालय यहाँ पर, तमाम जो आपका बिजनेस और उद्योग का जो कार्य है यहाँ पर, आपका सामाजिक कार्य है यहाँ पर होता है, परंतु आज जो आपका कार्यालय तमाम सिर्फ जो हमारे भोजन है और इसके भंडार से भरा हुआ है, रमजान का भी महीना चालू हुआ है, तो सर हमें बताइए कि क्या परिस्थिति चांदीवल में, और जो आप अनाज बांट रहे हो इसके बारे में हमें बताइए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, गारमेंट का काम करने वाले और जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स वगैरह है यहाँ पर, तो इन लोगों की तादाद अधिकतम है। आपने ये कहा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उनको केटर करने के काम जो है यहाँ पे रहवासी करते हैं, पीछे सब सारे लोग रहते हैं, तो ये सारे लोग जो है प्रभावित हुए हैं पिछले एक महीने से। अगर उनका, मैं समझता हूँ 10 से 15 दिन अगर उनके पास काम ना हो तो वो उनकी परिस्थिति ख़राब हो जाती है जी, और दुर्गम परिस्थितियाँ उनके सामने आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आज हम लोगों के पास, मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई कार्य नहीं है कि आज लोगों को भोजन दवा ये प्रदान कर दें, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है जी। ये और इसकी प्राथमिक हम लोगों ने प्रायोरिटी पे रखा है कि हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और मेडिसिन रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लग रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह और रेशनिंग किट्स वगैरह, दवा और खाना, ये दो चीज़ों पर हमारा केंद्र बिंदु हमारा रखा हुआ है जी। वी आर टारगेटेड। सर, आखिर में क्या सूचना रहेगा आपका मुंबई करो के लिए कि वो इस महाभयंकर प्रकोप में घर पर ही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उस युवाओं के लिए जो युवा आज उनका जो मनोबल है वो गिर चुका है, क्योंकि सर बिजनेस नहीं है, रोजगार नहीं है, तो एक संदेश युवाओं के लिए भी। युवाओं के लिए क्या, सभी के लिए। मैं समझता हूँ कि आज देश की जनता जो है कहीं ना कहीं डिप्रेस होते जा रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है। ऐसी स्थिति में मैं खाली ये निवेदन करूँगा कि परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी दुर्गम परिस्थितियाँ हो, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और पूरे ताकत के साथ हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। आज जहाँ इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने, स्थिति नहीं परिस्थिति कहेंगे इसे, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को डट करके सामना करना चाहिए, जहाँ हमें सत्ता से भी लड़ना है और साथ ही साथ इस महामारी से भी लड़ना है। और इस महामारी ने हमें ये सबक दिया है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो है भिन्न नहीं है। जब प्रकोप आता है तो इसी प्रकार सब पूरे मानव जाति को लेकर के जाता है, तो मानव जाति का कल्याण ये सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य होना चाहिए अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और एक नागरिक होने के नाते हमारे बहुत सारे कर्तव्य, अधिकार तो है ही हैं, लेकिन कर्तव्य जो है उनका प्रमाण ज़्यादा है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना सहायता हमें एक दूसरे का करना चाहिए, और ये भेदभाव का चक्कर सारा छोड़ करके लोगों के लिए, समाज के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं, इस पर हमें लक्ष्य देना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना है जी, और पूरी ताकत के साथ हमें इस कोरोना से
और जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका डटकर सामना करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए। धन्यवाद सर।